त्रिवेदी भी मेरे साथ हैं। अब विजय जी, मैं तो एक क्विक टर्न का भी पहले तो मैं समझना चाहती हूँ, सबसे बड़े सवाल के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये जो क्विक टर्न आया कि ममता बनर्जी एक दिन पहले तक कह रही थी कि बाद में पीएम डिसाइड होगा और फिर अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित हो जाता है, दो वो चेहरे जो बड़े संभावित उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, उम्मीदवार कह लीजिए दावेदार कह लीजिए, वो प्रस्ताव रख देते हैं खड़गे के नाम का, तो यहां से क्योंकि संकेत और संदेश और इनकार लिखा हो तो एक करार समझना, क्या यहां से एक गाड़ी दलित चेहरे के नाम पर इंडिया अलायंस की आगे बढ़ेगी या फिर जैसा शिवम कह रहे हैं कि अभी संशय है? अनम्यूट कर दीजिए विजय जी। शर्मा जी, जहां पर आपने बशीर बद्र साहब को याद किया वहीं से तो सारी से बात चल रही है कि इनकार को इनकार, इकरार समझे या इकरार को इनकार समझे। मुश्किल बात तो यह है कि किस तरह से दलित कार्ड को, जैसे आपने जिक्र किया कि अभी ओबीसी कार्ड को आप फेल कर गए विधानसभा चुनावों में, आपको उसका नतीजा नहीं मिला, तो अब आप दलित कार्ड पर आए हैं। और ममता जी और अरविंद केजरीवाल जी ने खड़गे साहब का जिक्र किया जो एक दिन पहले करे थे कि नहीं करेंगे, तो वो क्या चाहती है? क्या वो राहुल गांधी जी को साथ नहीं लेना चाहती? क्या ये भी एक इशारा है उनका कि वो राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? क्या वो नीतीश कुमार जी को नहीं चाहती कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने तो खड़गे साहब का नाम लेकर आ जाए? और कांग्रेस ने तो, मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तब कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में ही नहीं रहेगी, तब इफ एंड बट्स की बात क्यों? खड़गे साहब हो, सापरा साहब हो, कोई और हो, आपने इन प्रिंसिपल तय किया ना कि आप इस सरकार में यदि बनती है तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। क्या कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है? पहले ये बात हो। फिर क्या कांग्रेस तय करती है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है अपना नेता? क्योंकि सापरा साहब की जो बात मैं सुन रहा था, उनको खुद को भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर हम लड़ेंगे। मतलब खड़गे साहब या दलित कार्ड नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं हो सकते, ऐसा भरोसा उनको नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है, आपका भरोसा क्या है विजय जी? ओबीसी के बाद ये जो एक मूव है जी, ये बेनिफिशियल मूव है क्या? नहीं, ये एक बेनिफिशियल मूव हो सकता है अगर ईमानदारी से इसको लड़ा जाए, पर एक मजबूत लड़ाई का रास्ता हो सकता है। ये मोदी का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं और वो जवाब हो सकता है कि भाई 84 से भले ही 5 सीट हो, लेकिन दलितों के साथ वो जाना के लिए तैयार है। शिवम जी जो बात कर रहे हैं कि पार्टी को लेकर उन्होंने बार बार जिक्र किया, आपने जो जिक्र किया, वो उन्हें नहीं पता कि भीमराव अंबेडकर के साथ उनकी पार्टी का उपनयन संस्कार कब हुआ था, और मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाह रहा, तो अभी वो ताजा है। रिश्ता निकल सकते हैं विजय जी आप, हैं तो इस रिश्ते का अभी कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है कि वो अच्छी बात है कि भीमराव अंबेडकर बहुत याद आ रहे हैं शिवम जी को आजकल, वो अच्छी बात है। लेकिन दलित कार्ड एक महत्वपूर्ण कार्ड हो सकता है जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को, क्योंकि बड़ा एक कार्ड है और ओबीसी कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक नए कार्ड के साथ खेला जाए गठबंधन को और ओबीसी को लिया जाए। लेकिन विधानसभा चुनावों में देखिए कि ओबीसी के अलावा जो पूरा दलित है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। आज जो 41-40 एमपीज हैं वो तो है ही, लेकिन बड़ा वोट विधानसभा में भी ओबीसी के अलावा दलितों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो क्या गठबंधन इस तरह से ईमानदारी से ये लड़ाई लड़कर ये बताना चाहता है कि वो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देना चाहते? शिवम जी बात ठीक कर रहे हैं कि जगजीवन राम के जिक्र भी, सीताराम केसरी का जिक्र भी, वो सब ठीक है, लेकिन वो तो चलता रहता है। बहुत सारे अब इतने गुनाह हो चुके हैं कि किसी का भी चेहरा साफ नहीं है। बिल्कुल, तो क्या ये लड़ाई रोचक मनोरंजक निर्णायक होगी, आगे बढ़ सकती है दलित प्रधानमंत्री? ये विमर्श अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग विमर्श हो जाता है विजय जी। गरिमा जी, एक छोटी सी लड़ाई, एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि इस पूरे गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी कांग्रेस है और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। मजबूत कड़ी इसलिए है क्योंकि वो देश में ऊपर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक उसका व्यवस्था है, वोट बैंक है, कार्यकर्ता है, सब कुछ है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी इसलिए है क्योंकि उसके पास सबसे कम जीतने की उम्मीदें हैं। 191 सीटें, 190 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधा उनका मुकाबला है, वहां 91% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। बिल्कुल, 192 में से 176 बीजेपी ले जाती है। कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वो सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्या कांग्रेस 50 से 150 पर पहुंच सकती है, 100 पर पहुंच सकती है?
अगर वो नहीं पहुंचती तो वो इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी होगी, फिर चाहे आप खड़गे साहब को लाएं या किसी और को लाएं। ठीक है विजय जी।